हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना सैंपल पेपर टर्म वन का 2021-22 तक का। क्लास टेंथ है, सब्जेक्ट साइंस है और ये है टाइम हमें मिला है 90 मिनट्स का। तो 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है हमारा, जिसमें हमें 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे हमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन, 3 सेक्शन है ठीक है, जिसमें सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है और 20 हमें अटैम्प्ट करने हैं। बी में 24 क्वेश्चन हैं और हमें 20 ही अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन है जिसमें से हमें 10 अटैम्प्ट करने हैं ठीक है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी इक्वल मार्क्स के हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ठीक है। चलिए तो पढ़ लेते हैं। सेक्शन ए में जैसा कि हमसे बोला है कि एक कंसिस्ट 24 क्वेश्चन और अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन ठीक है। सो पहला है, रीमा टुक्ड 5 ml लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द ब्रेकर ठीक है। वो ब्रेकर में 5 ml क्या देते हैं, लेड नाइट्रेट एंड एडिड एक्सप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइन सॉल्यूशन टू इट। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, वो क्या ऑब्जर्व करेगी। तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि ऐसा हमने पढ़ी रखा है कि क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेशन वॉज फॉर्म, सॉरी येल्लो प्रेसिपिटेशन वॉज फॉर्म्ड। कौन सा येल्लो जो प्रेसिपिटेशन होगा वो हमारा फॉर्म हो जाएगा ठीक है। तो हमारा सही आंसर बी होगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर गैस का जो हमें वो दिखाया, थोड़ा कैसा स्पार्क हुआ हुआ दिखाया, तो इससे ही हमें पता चलता है कि हमारी हाइड्रोजन गैस होगी ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। तीसरे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशन आर करेक्ट, कौन सा दो कॉम्बिनेशन करेक्ट है। इसमें बोला गया कि मेटल में हमने दिल LCL डाला तो हमें दो चीज़ें मिली, मेटल सॉल्ट और गैस ठीक है। तो अब इसमें हमें बताना है, तो इसमें हमसे कहा गया है कि कौन सा सही है इसमें। तो पहला जो है इसमें बोला गया है कि मेटल है और गैस इन्वॉल्व होगी, तो ये तो गलत है, गैस इन्वॉल्व नहीं होती। आयरन में यस गैस इन्वॉल्व होती है, मैग्नीशियम में नहीं होती, तो ये भी गलत है, मैग्नीशियम में होती है। जिंक में होती है, ये भी ठीक है। दूसरा और फोर्थ यानी कि सेकेंड और फोर्थ हमारा सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कौन सा इसमें से सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बैलेंस करना आना भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3F ही है, यहाँ पर 3F है, O2 है, तो यहाँ पर O4 है, यहाँ पर भी H2 है, यहाँ पर H2 है ठीक है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा होगा बी वाला। तो एक मिनट, यहाँ पर 3Fe है, 4H2 और 3Fe है, O4 है और 4H2 है ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है, द ग्राफ बिलो डिपिक्ट न्यूट्रलाइज रिएक्शन, एसिड में अल्काली मिलाई, उसमें हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिला, तो pH ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज वी एड एक्सेस टू एसिड ऑन ऑफ अल्काली। तो हमारा कब होगा, जब हमारा जो pH वैल्यू है वो 7 से नीचे होगी, तो वो हमारा हुआ डी पार्ट ठीक है। तो विच लेटर डिनोट, कौन सा लेटर डिनोट करता है एरिया ऑफ ग्राफ वेयर बोथ जो एसिड और सॉल्ट रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो डी में होगा ठीक है। तो ये इसके बाद सिक्स क्वेश्चन हमें है दिया है, ये देखिए, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर, जो रिएक्शन हो रही है आयरन की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो ये हमें इसकी इक्वेशन दी है। तो विच ऑप्शन इज गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट, तो इनमें से कौन सा है जो करेक्ट इसे रिप्रेजेंट कर रहा है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग एजेंट को। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कि देखो, सब्सटेंस ऑक्साइज फी है और एजेंट भी फी है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, सब्सटेंस जो है वो भी ये है और यही यहाँ पर है Fe और Fe। तो हमारा करेक्ट आंसर ए होने वाला है ठीक है। तो ए हमारा ठीक है। सेवन क्वेश्चन में पूछा है, द केमिकल रिएक्शन
जो केमिकल रिएक्शन है बिटवीन कॉपर और ऑक्सीजन, ठीक है, कैन कैटेगराइज्ड, तो वो कैसे कैटेगराइज होगी? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन हमें बताना है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, अब आप ही बताइए, जब जो केमिकल रिएक्शन है कॉपर और ऑक्सीजन के होगा तो वो कैटेगराइज करेंगे तो वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, जिसमें क्या होता है दो जो पदार्थ होते हैं या दो जो रिएक्टेंट होते हैं वो दो रिएक्टेंट एक चीज़ बनाते हैं जिसे हम सी कहते हैं, तो वो हमारा कौन से में होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द गिव एन ऑप्शन, जो ये गिवन ऑप्शन है करेक्टली रिप्रेजेंट, जो करेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं द पार्ट एसिड एंड बेसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के, तो देखो HCl इसमें हमें कार्बोनेट चाहिए तो कार्बोनेट तो इसमें है ही नहीं दिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो B होगा क्योंकि B में ही हमें कार्बोनेट दिखाया गया है, तो इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर B हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें दिया, इसमें हमें बोला गया है कि हाई वैल्यू प्रोटेक्ट, आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब हीट जनरेट होगी वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसनट्रेटेड एसिड, तो बाय एडिंग एसिड, जब हम एसिड मिलाएंगे वाटर में विद कंट्रास्ट स्टीरिंग, तो ये ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है 10th क्वेश्चन, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 11th क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिया है, ठीक है, केयरफुली स्टडी द डायग्राम, डायग्राम को ध्यान से पढ़ना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ए बी सी डी, यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4 दे दिया है गलती से, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना, विच करेक्ट आइडेंटिफिकेशन मेन फंक्शन फॉर ऑल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, तो हमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो ये हमारे इसमें ये होता है हमारा ट्रेकिया, पहला है ट्रेकिया, इट्स सपोर्टेड बाय बोनी रिंग कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर, तो बोनी तो नहीं होगा, ठीक है, बोनी तो नहीं होता, रिब्स, व्हेन वी ब्रेथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड, वो ये गलत है, लिफ्टेड नहीं होते, ठीक है। फिर है एल्वोइली, थिन वॉक्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो सी ठीक है, ठीक है, सी में हमारा यही काम होता है एल्वोइली का, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, 12th है, तो 12th में पूछा आइडेंटिफाई द ऑप्शन, ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना, इंडेक्ट इंडिकेट करेक्ट एंजाइम, जो करेक्ट एंजाइम को इंडिकेट करता हो, सेक्रेटेड इन द लोकेशन, जो कि लोकेशन में ए बी और सी के, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 दिया, इसे ए बी और सी मान ले हम, तो सबसे पहले हमें पता है मुँह से क्या होता है, मुँह से हमारा क्या निकलता है, एमिलेज होता है, ठीक है, और एमिलेज सबसे पहले यहाँ पर बी में दिया है, तो बी हमारा सही हो जाएगा, पहले में एमिलेज होता है, फिर पेप्सिन और फिर ट्रिप्सिन, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 13th प्रश्न में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया ओपनिंग एंड क्लोजनिंग, खुलना और बंद होना, ठीक है, स्टमक स्टोमेटल पोर डिपेंड, किस पर डिपेंड करते हैं वो, तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे नहीं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, तो ये भी नहीं होगा, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल, ठीक है, डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो द फिगर गिवन बिलो शो द स्केमेटिक प्लान ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन विद लेबल 1 to 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विद इट्स फंक्शन, उसके करेक्ट लेवल हमें निकालने हैं उसके फंक्शन के साथ, ठीक है। तो पहला हमारा होता है पल्मोनरी वीन्स, ठीक है, पल्मोनरी वीन्स होता है, दूसरा ये जो हमारा होता है यहाँ पर हमारा होता है आर्टरीज, ठीक है, तीसरा यहाँ पर हमारा होता है पल्मोनरी आर्टरी, ये एरोटा होता है, ठीक है, और जो चौथा होता है ये हमारा वेना कावा होता है, ठीक है, ये हमने लिख लिए। अब यहाँ पर हमसे कहा गया पहला पल्मोनरी वीन्स होता है, तो ठीक है, ठीक है, फिर दूसरा हमारा होता है एरोटा, तो ये तो नहीं होगा बी, तो तीसरा होता है हमारा
यहाँ पर पल्मनरी आर्टरीज, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में अरोटा दिया है, वेना कॉव होता है फोर्थ। लेकिन अब हमें फोर्थ और फर्स्ट, ठीक है, इनको पढ़ के देखना है। टेक इम्पोर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, तो ये तो नहीं होगा फर्स्ट का। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि वेना कॉव टेक ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू राइट ऑरिकल्स, ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे है 15 क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द फेस सर्कुलेशन विच रिप्रेजेंट इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो। एरो इंडिकेट कंसंट्रेशन ऑफ द चैम्बर चैम्बर शोन, जो जो हमें चैम्बर दिए हैं ये हमें देखने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल स्टिमुलेट्स, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स, ठीक है, ट्रांसफर होता है लंग्स से, कैसा ऑक्सीजनेटेशन एंड पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन स्टिमुलेट्स, तो बी ठीक है, ठीक है, हमें ये बी ठीक है, ठीक है, हमें करेक्ट आंसर मिल गया। उसके बाद 16 क्वेश्चन दिया, ऑब्जर्व द डायग्राम, डायग्राम को ऑब्जर्व करना ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। अब ये पहला यहाँ पर है, दूसरा, तीसरा और चौथा हमें दिया है, ठीक है। अब हमें इसकी मैचिंग करनी है, मैच द लेबल रेफरेंड इन कॉलम वन एंड कोरिलेट विद फंक्शनल इन कॉलम सेकंड, ठीक है, कॉलम सेकंड से। तो पहले पहला का देखते हैं, जैसे कि पहला हमारा हमें ये दिखाया हुआ है, पहला ये है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्ट डाइजेशन, तो पहले में बी होना चाहिए। पहले का बी किस किस का है, तो डी में भी नहीं है, पहले का बी सी में है, और बी या सी में से हमारा आंसर होगा। उसके बाद ऐसे ही हमें दूसरे का बताना है, दूसरे का हमारा होना चाहिए इंक्रीज द एफिशिएंसी लाइपेज एंजाइम एक्शन, तो ये हमारा हो जाएगा बी, तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है 17 क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, लाइक एक ही क्वेश्चन में बहुत पावर है, बहुत माइंड से हमें करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर, कौन सा मिरर यूज़ करता है डेंटिस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये, ठीक है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यूज़ करता है एंजाइम अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट टीथ देखने के लिए, तो कौन सा मिरर होता है हमारा, वो हमारा होता है कॉन्वेक्स, नहीं प्लेन मिरर मिले तो वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 18 क्वेश्चन में कहा है विच डायग्राम शो इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसमें हमारा जो है पहली फिगर भी हमें गलत दी है, ठीक है, आप भी देख सकते हैं, दूसरी भी हमें गलत दी है, तीसरी ठीक है, ठीक है, चौथी में ऐसे कभी नहीं होती, तो ये भी गलत है, डी भी, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद 19 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच लाइट फॉर्मर पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट, तो इसमें कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, सबको ही पता है 19 का ए है। 20 क्वेश्चन में पूछा है कंसिडर दीज इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ग्लासेस 1.52 एयर है, ठीक है, उसके बाद वाटर है, फिर बेस्ड ऑन द रिएक्टिव इंडिसाइज ऑफ थ्री मटेरियल, तीन मटेरियल है, अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट में अरेंज करना है थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले हमारी एयर होगी, ठीक है, फिर हमारा वाटर होगा और फिर स्पीड होगी, तो पहले हमारी एयर होगी, तो इसमें पहले वाटर है, ये भी नहीं होगा, इसमें पहले ग्लास है, सी ठीक है, पहले एयर है, फिर वाटर है और फिर स्पीड है, ठीक है, सी सही है। 21 क्वेश्चन पूछा है इफ़ अ बीम ऑफ रेड लाइट, लाल लाइट है, ठीक है, बीम ऑफ वॉलेट लाइट द इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑन द इंक्लाइन सरफेस ऑफ प्रिज्म फ्रॉम अ एयर मीडियम प्रोड्यूस एंगल रिफ्रैक्शन आर एंड बी रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आर और बी का बीच का क्या बताना है हमें,
इनके बारे में बताना है कि इनमें क्या मतलब सेम है, या फिर इनके बारे में हमें बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा आर वी के बराबर होता है, नहीं, आर जो है वो बड़ा होता है वी से, नहीं, आर वन होता है, आर जो है वन अपॉन में वी होता है, तो नहीं, सी डी ठीक है, आर जो है वो छोटा होता है बी से, वी से, क्योंकि अगर हम विबग्योर लिखें, देखो वी आई बी जी यू, एक मिनट, हम ये हमने विबग्योर लिखा, ठीक है, तो आर जो है सबसे कम होता है, सबसे कम, ठीक है, वो बैंड होता है, तो इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये है हमारा 22वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसमें हमें इसमें हमें दिया है कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर हमें बताया है। एग्जामाइन द अबव फिगर स्टेट विच फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है, वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 3 बॉक्सेस मिले, ठीक है, तो 1, 2, 3, 3 तो हमारी फोकल लेंथ हो गई, इसे हम माइनस में गिनते हैं तो हमारा हो जाएगा -3, ठीक है। उसके बाद इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन, जो मैग्नीफिकेशन की इमेज है वो हमारी होगी -1, ठीक है, तो -1 कहाँ पर है, यहाँ, और -3 यहाँ, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम एयर ग्लास एट द ओ पर ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लेब इज, कैसा होगा, तो यहाँ से आइए ये बेंट हुई है और यहीं से वापस जाएगी, तो इन दोनों के बीच होगा 0 डिग्री, ठीक है, बी आंसर हमारा ठीक होगा। 24 क्वेश्चन में बोला गया है एक प्रिज्म है ए बी सी विद बी सी एज बेस, बी सी जो है बेस है, इस प्लेस अ डिफरेंट ओरिएंटेशन, अब उसे ना हर तरफ से देखा गया है, ठीक है, उसे टर्न करके देखा गया है, नैरो बीम ऑफ विच लाइट वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, और सब पे ना वाइट लाइट डालकर देखी गई है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, इन डायग्राम में से आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप स्पेक्ट्रम कॉरस्पॉन्डिंग टू द कलर ऑफ स्काई, तो वो कैसा होगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बी, यानी कि सेकंड वाला जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे हमें दिया है बी सेक्शन, ठीक है, तो यहाँ से हमारा बी सेक्शन शुरू हो गया है। बी सेक्शन में 24 क्वेश्चन है जिसमें से हमें 20 करने हैं, तो हम सारे ही कर रहे हैं, ठीक है, चलिए करते हैं। तो 25 क्वेश्चन बोला गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन गिवन टेबल, टेबल दिए इसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि रिएक्शन की टाइप रिप्रेजेंट करता है ऑक्योरिंग स्टेप वन और स्टेप टू में, ठीक है, स्टेप वन में हीटेड आ रही है, ठीक है, फिर हमने लाइमस्टोन को हीट करा तो हमें CO2 मिल रहा है, जिसमें हमें H2O मिला तो हमें स्लग लाइम मिल रही है, ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो हमारा होगा सी, ठीक है, क्योंकि उसमें एंडोथर्मिक भी हो रहा है और एक्सोथर्मिक भी हो रहा है, तो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 26 क्वेश्चन में बोला गया है कि इन विच ईयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज हाइस्ट, कौन से साल में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन था वो हाई हुआ है, तो ये तो हमें यहीं से दिख रहा है सबसे ज़्यादा हाई कहाँ हुआ है, यहाँ पर जाकर हुआ है ना, उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया है, तो यहाँ पर 2008 में हाई हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है द डायग्राम शो द रिएक्शन, रिएक्शन बताता है मेटल और डिल एसिड के, ठीक है, ये देखिए ये हमें डायग्राम दिया है, इसमें भी हमें यहाँ पर नीचे कुछ दिया है, इसमें भी कुछ दिया और इसमें भी कुछ दिया, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर तैर रहा है, ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर ऊपर ये तैरता है तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो हमें कैसे ऑप्शन दिए हैं, वॉट इज़ द रीज़न ऑफ डिफरेंट बिहेवियर ऑफ MG इन टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट कर रहा है दिल के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया ही है, अब उसमें HCl प्रोड्यूस कर रहा है H2 गैस विच हेल्प इन फ्लोटिंग, अब जब इसमें H2 गैस फ्लोट हो जाते हैं, इसमें बबल बन जाते हैं, जिनके कारण वो ऊपर तैरने लगता है,
तो बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। 28 क्वेश्चन में बोला गया है कि द टेबल बिलो गिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दे दी अबाउट सब्सटेंस, ठीक है। ए बी सी डी हमारे ये सब्सटेंस दिए हैं हमें, अब हमें ये बताने, देखो इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा। मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो ये है, इसमें बोला इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में कि सॉलिड और लिक्विड में गुड और अच्छा होता है, सॉलिड लिक्विड एक्वस में, बी में पुअर होता है ये गुड होता है, ठीक है। सी में भी ये पुअर होता है ये गुड होता है, ये भी ठीक है, और डी में हमें ये दोनों ही पुअर दिए तो ये गलत है। तो बी और सी करेक्ट आंसर है, और बी और सी हमें बी पार्ट में दिया है, तो 28 का बी सही है, ठीक है। 29 क्वेश्चन में कहा है विने ऑब्जर्व्ड, विने है जो कि ऑब्जर्व करे स्टैन ऑफ करी, ठीक है। वाइट शर्ट बिकम रेडिश ब्राउन, जो वाइट शर्ट थी वो रेडिश ब्राउन में हो गई व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन, जब हमने उस पर क्या करा साबुन मला, बट इट टर्न येल्लो अगेन, लेकिन वो वापस पीली हो गई। व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, जब उसे प्लेंटी ऑफ वाटर से धोया गया। वट माइट बी रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सोप जो है, साबुन जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें सेकंड, ठीक है। ठीक है, सोप एसिडिक तो नहीं होता, बेसिक होता है, और इसमें टर्मरिक इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, वो एक नेचुरल इंडिकेटर होती है, क्या करती है, जो कि रेडिश टिंग बेस होती है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड हमारा सही है, तो वो हमें बी पार्ट में दिया है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो इसका भी बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 30 क्वेश्चन बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड द बल्ब ग्लो, कौन से सेट में बल्ब जो है ग्लो। ये देखो ये हमें डायग्राम दिया, पहले में हमें दिया है कि डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसमें बल्ब ग्लो कर जाएगा। दूसरे में दिया है शुगर सॉल्यूशन, तो इसमें तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तीसरे में है अल्कोहल इन वाटर, तो इसमें भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और चौथे में है लाइम वाटर, तो इसमें बल्ब ग्लो कर जाएगा, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ में ग्लो करेगा, और फर्स्ट और फोर्थ हमें बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अब हमें 31 से 35 क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट में दिए हैं, अजर्शन और रीज़न की स्टेटमेंट दी है, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन, ठीक है। ये तो हमें पता ही है ये कैसे होते हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं हम। पहले में हमसे कहा जाता है कि ए और आर दोनों क्या है, सही है, लेकिन आर जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए की, ठीक है। दूसरे में कहते हैं कि ए और आर दोनों ठीक है, लेकिन आर जो है ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तीसरे में कहते हैं कि ए गलत है और आर सही, सॉरी ए सही है और आर गलत है। और चौथे में कहा जाता है कि ए गलत है और आर ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं, तो एजर्शन है कि फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडिड, फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा डाल दें, टेक लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड, वो ज़्यादा टाइम लेगा कर्ड के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही फिर है बेकिंग सोडा डिक्रीज द पीएच वैल्यू, बेकिंग सोडा क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा पीएच वैल्यू को, ठीक है, ऑफ फ्रेश मिल्क टू ब्लो, ठीक है, ब्लो करने के लिए। तो आप देखो इसमें हमारा जो ए ठीक है, अब ए ही ठीक है, तो यानी कि आर गलत है, ए ठीक वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास सी, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, ठीक है, पहले 31 का सी है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 31 का सी है। एजर्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसका रीज़न है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इन्वॉल्व करती है ब्रेक डाउन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट को किस में, सिंपल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जो हमारा अजर्शन है वो गलत है, अजर्शन गलत है और रीज़न ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है रेजाइन एंड जर्म्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड साइलम टिश्यू इन प्लांट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें बोला गया है कि ए तो ठीक बोला गया है, ठीक है। अब आर क्या है, रिजाइन एंड जर्म फैक्टरली ट्रांसपोर्ट टू वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये तो गलत है,
तो ए ठीक है और आर गलत है, यानी कि सी इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 34 में है assertion हमें दिया है कि जो स्काई अपीयरियन है ब्लू इन डे टाइम, दिन में वो ब्लू होता है, और इसका रीज़न क्या है कि वाइट लाइट जो है कंपोज जो करती है 7 कलर्स में। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि ए और आर दोनों ठीक है, लेकिन आर जो है वो ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन में बोला गया है कि टेबल दी है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स एसिड बेसिस इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ए में एसिड नहीं होगा और बी में भी एसिड नहीं, तो ये तो गलत है। ठीक है, उसके बाद बी में बोला गया है कि बी ठीक है, बेस में भी ठीक होगा और उसमें एसिड में भी ठीक होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये ठीक है बी वाला। सी में बोला कि एसिड में होगा और बेस में नहीं होगा, तो ये गलत है। डी में बोला कि इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो डी भी ठीक है, तो बी और डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन में दिया है, इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, हार्ट से थ्रू करता है ओनली वंस, एक बार ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। अब वो कौन होता है, रेबिट पैरेट टर्टल नहीं, फ्रॉग क्रोकोडाइल पीजन तो ये भी नहीं होते, वेल लेबियो और पेंगुइन नहीं, तो डी करेक्ट हो जाएगा, शार्क डॉगफिश और स्टिंग रे। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है व्हाट इज कॉमन, क्या कॉमन है किसमें, एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड वॉल ऑफ एल्वोली एंड ग्लैमरस ऑफ नेफ्रोन। तो इसमें हम पढ़े थिक वेल्ड आर्टरीज, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, थिक वेल्ड वीन्स ये भी नहीं होगा, थिक वेल्ड कैपिलरीज तो ये भी हमारा नहीं होगा, थिक वेल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड द ब्लड, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, डी हमारा ठीक है। 38 क्वेश्चन में बोला गया है प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एज कम्पेयर टू एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नॉट अलाउ बाय प्लांट फॉर एक्सक्रीशन, प्लांट के लिए अलाउ नहीं है एक्सक्रीशन में, क्या होगा, दे कैन रीड एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपोर्टेशन, तो ये तो नहीं होगा, दे सिलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू देयर लीव्स, तो बी ठीक है। ठीक है, बी आंसर हमारे इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, आगे दिया है 39 और 40 क्वेश्चन में कि इफ द पावर ऑफ लेंस, जो लेंस की पावर है 4.0 डी है, देन इट मीन दैट द लेंस इज, तो लेंस हमारा कितना होगा, तो इसमें रख लेंगे मान लीजिए पी 1/f होता है हमारा। ठीक है, अब p हमारा -4 दिया है और 1/f हम रख लेते हैं, तो f इक्वल कितना हो जाएगा 1/4, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, हमने इसे माइनस में ही कर दे, तो -25 हमारा कहाँ पर है, डी ऑप्शन में। ठीक है, 39 का हो जाएगा हमारा, सॉरी 39 का हो जाएगा सी, कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ -25 में। ठीक है, 40 क्वेश्चन में बोला है रे फ्रॉम सन कवरेज एट द पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कहाँ प्लेस करेंगे जो साइज होगा इमेज का इक्वल होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन पढ़ें कि 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर हम 30 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो हमारे जो है इमेज सेम बनेगी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। 41 क्वेश्चन में कहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, जो ऑर्गेनिज्म है फूड मटेरियल है ब्रोक डाउन इनटू आउटसाइड द बॉडी देन एब्जॉर्ब्ड इन, कब एब्जॉर्ब्ड होगा तो वो। ठीक है, तो इसमें हमारा होगा मशरूम, ग्रीन प्लांट, अमीबा नहीं, यीस्ट मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। इन द पर्सन द ट्यूबल पार्ट, जो ट्यूबल पार्ट होगा नेफ्रॉन का इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, वो फंक्शन नहीं करेगा,
व्हाट विल इफेक्ट ऑफ यूराइन इन्फॉर्मेशन, यूराइन फॉर्मेशन का क्या एक्ट होगा? तो इसमें हमारा क्या होगा, द यूराइन विल नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसा तो नहीं है। क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ यूराइन अनअफेक्टेड, ऐसा भी नहीं है। यूराइन इज मोर कंसनट्रेटेड, ऐसा भी नहीं है। यूराइन इज मोर डाइल्यूटेड, तो वो ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा, तो डी पार्ट इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 43 में कि जो रियल इमेज है ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय लेंस, एक लेंस से फॉर्म होगी थ्री टाइम, तीन बार। द साइज ऑफ द फ्लेम, जो फ्लेम का साइज होगा, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज है हमारी 80 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, तो कैसे प्लेस्ड होगी? तो देखो, अगर हम इसे सॉल्व करके देखें, हम मिरर फॉर्मूला लगाए, हमारा इसमें m जो है वो हमें -3 दिया है, हम उसे माइनस में लेते हैं, ठीक है। v हमें 80 दिया है और u हमें निकालना है, u हमें पता नहीं है, तो m का फॉर्मूला लगाएंगे, v अपॉन में u आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा m कितना है, -3 इक्वल 80 अपॉन में हम क्या रख लेंगे, 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 4 नहीं है, ये u है। 80 अपॉन में u रखेंगे तो हमारा जो u आएगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर -80/3, ठीक है। तो -80/3 यानी कि d जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा 43 का, ठीक है। 44 में पूछा गया है कि वाइल लुकिंग द अबव डायग्राम नालिनी कंक्लूड द फॉलोइंग, वो क्या क्या कहती है नालिनी, ये फॉलोइंग जो है कंक्लूड करती है कि जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट की विल बी अ वर्चुअल वन, वर्चुअल होगी। तो इसमें ये तो नहीं है, ठीक है, ऐसा गलत है। द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ, वो एक ही पास से जाएगी, और इंसिडेंट रे बट इज अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उसकी कैसी उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, तो ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद है कि जो हमारा इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड होगी, ये भी ठीक बात है। अब दिस इज़ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर होगा, हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, और जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट को छोड़ कर सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, और सेकेंड थर्ड फोर्थ हमें कौन से ऑप्शन में दिए, सी में, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे में दिया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, इन द अबव डायग्राम डायग्राम लेयर लाइट ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडिया से लाइट ट्रेवल कर रही है। इट इज़ नोटेड बाय साइंटिस्ट दैट, साइंटिस्ट ने नोटिस किया है जो एंगल वन है वह एंगल थ्री के इक्वल होगा, ठीक है, और थ्री जो है वो फोर के इक्वल होगा, और जो टू है वो वन से कैसा होगा, छोटा होगा। तो अभी ये बताना है कि इनकी जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो होगा कि ये कह रहा है मीडियम वन डेंसर मीडियम थ्री ई, बट डेंसिटी जो होगी वो इक्वल हो जाएगी दो के, तो ये तो गलत है, ठीक है। मीडियम टू इज़ द रेडेस्ट मीडियम, ये बात भी गलत है, ठीक है। मीडियम थ्री जो है वो डेंसर होगा मीडियम वन के, तो ये भी गलत है। मीडियम वन एंड थ्री एसेंशियली द सेम मीडियम, सेम मीडियम होगा, बट मीडियम टू इज़ डेंसर देन वन एंड थ्री, ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 46 में पूछा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा फ्लाइंट ग्लास होगा 1.65, फॉर अल्कोहल 1.36 विद रिस्पेक्ट टू एयर, व्हाट डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लाइंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। पहले हमें फ्लाइंट ग्लास बोला है, तो यानी कि 1.65 अपॉन में हम क्या लिखेंगे, अल्कोहल 1.36, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हमें मिलेगा वो हमारा होगा बी वाला, ठीक है। 46 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 47 क्वेश्चन में है, ये हमें एक डायग्राम दिया है, ठीक है, लेंस का डायग्राम है। द अबव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ 10 है, ठीक है। अब जो इमेज की हाइट है वो 2 mm है, इस प्लेस जो डिफरेंट 5 सेंटीमीटर पे बन रही है एट द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, हाइट निकालनी है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखो
मान लेते हैं हमने अपनी F जो ली है वो 10 सेंटीमीटर ली है, H हमारी है 0.2 mm है, ठीक है। U हम ले लेंगे -5, हमें हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक है। V हमारी है -10 मानेंगे V को, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, M का फॉर्मूला लगाएंगे H1/H2, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो V अपॉन में U कर लेंगे, इनटू में कर देंगे H को, ठीक है। V हमारा -10 है, U हमारा -5 है, और H हमारी कितनी है 0.2 mm है, ठीक है। तो इसको पॉइंट हटाकर नीचे हम ले लेंगे, ठीक है, नीचे हम 10 ले लेंगे। तो जब हम 10 को यहाँ पर कट करेंगे तो हमारा जो है माइनस माइनस करके 5 से ही कट गया, 10 से 10 को काट देते हैं। चलिए यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 से 10 को कट गया, तो जो हमारा आंसर बचा वो हमारा हो गया 2/5, ठीक है। 2/5 हमारा आंसर आया, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं बी क्वेश्चन का, लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है बी सेक्शन का। अ केबल मैन्युफैक्चरर यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो एलिमेंट है डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, ठीक है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, डब्ल्यू में इलेक्ट्रिकल है, कंडक्टिविटी है, और मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो विच ऑफ द अबव एलिमेंट डिकार्डेड द यूज ऑफ कंपनी, तो कौन से डिकार्डेड यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में भी हाई है, तो ये वाले वो करेगी एक्स वाई जेड, ठीक है, तब भी आंसर हमारा ठीक होगा 48 का, ठीक है। यहाँ से हमारा सेक्शन सी शुरू हो जाता है, तो 3 केसेस में से, अब जो ये 12 क्वेश्चन है जिसमें से हमें 10 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और जो केस है वो ये द स्टोरी सॉल्ट, तो देखो ये हमें थोड़ा ऐसे ही दिया जाता है, इससे हमारे क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपके पास पेपर में टाइम नहीं है तो आप इसे ना भी पढ़ें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कंपाउंड दिया, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा है कि विच कंपाउंड इज द टेबल रिएक्ट विद एसिड, एसिड से रिएक्ट करेगी और रिलीज करेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO, यहाँ पर हमें सिर्फ सी पार्ट में दिया है, तो ये हमने बिना किसी जो पैरा था उसे पढ़े बिना कर दिए हैं, ठीक है। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, जो मैग्नीशियम सल्फेट प्लांट प्रेजेंट होगा 135 ग्राम ऑफ सॉलिड बाई इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। तो इसका भी हमारा जो है यहाँ पर हम देखते हैं, अगर तो देखो यहाँ पर हमें 45 दिया जिसमें से मैग्नीशियम के कार 0.6, तो जब हम इसको रखेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, वो होगा हमारा 18 ग्राम, ठीक है, 18 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड, सोडियम क्लोराइड को क्या कहेंगे, ब्राइन कहते हैं, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वॉट इज द pH ऑफ एसिड, pH ऑफ एसिड क्या होगा, विच इज यूज टू फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो कि यूज होगा किसे, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उसे फॉर्मेशन, उसके फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1/3, ठीक है, पहले से जो तीसरे होंगे वही हमारे होंगे, ठीक है, एसिड में विच इज़ फॉर्मेशन कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अगला जो केस हमें दिया है वो दिया है कि द फिगर शोन प्रेजेंट द एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द एक्टिविटीज, दो हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कीप्ड इन डार्क, उन्हें अंधेरे में रखा किस लिए, 72 घंटे के लिए, 72 आवर, 72 घंटे बाद के पोटेशियम ऑक्साइड जो है कीप द वॉच ग्लास इन टू सेटअप एक्स में रखा, ठीक है, नॉन इन सेटअप वाई में नहीं रखा, बोथ दी सेटअप आर एयरटाइट, वो एयरटाइट है यानी कि हवा नहीं जाएगी, हैव बीन कीप्ड इन लाइट में रखा 8 घंटे। देन द आयरन टेस्ट परफॉर्म्ड, जो आयरन टेस्ट परफॉर्म किया था फ्रॉम ईच ऑफ टू प्लांट्स एक्स और वाई,
तो ये है हमारा डायग्राम, यहाँ पर हमने ये रखा है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन पूछा है कि जो एक्सपेरिमेंट सेटअप है यूज टू प्रोव एसेंशियली विच इज़ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्लोरोफिल, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सही आंसर होगा, सी पार्ट हमारा सही है। द फंक्शन ऑफ KOH इज टू एब्जॉर्ब, तो KOH का फंक्शन है वो क्या एब्जॉर्ब करना है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। 55 क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो द करेक्ट रिजल्ट, सही रिजल्ट बता रहा है आयोडीन टेस्ट का, आयोडीन टेस्ट जो हुआ था ऑन द लीफ फ्रॉम प्लांट एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली। तो चलिए पढ़ते हैं, तो ब्लू होगा, ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन द लीफ ऑफ प्लांट एक्स एंड नो चेंज इन कलर और लीफ ऑफ वाई प्लांट वाई, तो ए तो नहीं होगा हमारा, ठीक है। बी पढ़ते हैं, ब्लू होगा ठीक है, ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन, ब्लैक कलर हो जाएगा ठीक है, ऑन लीफ प्लांट वाई एंड नो चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज नहीं होगा ऑन लीफ प्लांट एक्स में, तो बी ठीक है, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। 56 क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग अपर्चर्स एयर टाइट, ठीक है। तो इसके लिए हमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं, तो पहला है कि प्लेसिंग द प्लांट ऑन ग्लास प्लेट, तो पहला तो ठीक है, ठीक है, यूजिंग अ सक्शन पंप, तो ये तो गलत है, अप्लाइंग एस लाइट टू सील द बॉटम ऑफ जार, ये भी ठीक है, क्रिएटिंग वैक्यूम, तो ये भी गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड हमें सी पार्ट में दिया है, ठीक है, सी ऑप्शन में। उसके बाद अगला केस है कि नोर अ यंग स्टूडेंट वर ट्राई टू डेमोंस्ट्रेट सम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हर इन हर साइंस प्रोजेक्ट वर्क, शी केप्ट एक्स इनसाइड द बॉक्स, एक्स को वो बॉक्स पर रखता है एंड विद द हेल्प ऑफ अ लेजर पॉइंटर मेड लाइट रेज, ठीक है, हॉल ऑन द वन साइड ऑफ बॉक्स शी हैड अ स्मॉल बटर पेपर, उसके पास एक छोटे सा बटर पेपर है, स्क्रीन टू सी द स्पॉट्स देखने के लिए बींग कास्ट दे एमर्ज, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम, ठीक है, रे टू, ये रे वन है, ये रे टू है, ये रे वन है, ठीक है, और ये हमारा एक्स है, ठीक है। वट कुड बी एक्स, जो एक्स है दैट शी प्लेस्ड इन साइड। 57 क्वेश्चन पूछा है वट बी द एक्स दैट शी प्लेस्ड इन साइड द बॉक्स टू मेक द रेज बिहेव एज शो, तो इसमें हमारा क्या होगा, अ कन्वर्जिंग लेंस, तो नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है, अ पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, ये ठीक है, 57 का बी करेक्ट है, ठीक है। 58 में पूछा है शी मेजर द एंगल, एंगल मेजर करती है इंसिडेंट बोथ रे लेफ्ट साइड बॉक्स टू बी 48.6, शी न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एक्स इन साइड द बॉक्स वॉज 1.5, वॉट विल बी द टेम्परेचर अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है, तो साइन आर अपॉन में साइन आई रखा जाए तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो हमारा होता है 30 डिग्री के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना, डिफरेंस इसमें हमारा पूछा ही जाता है कि क्या इनके बीच में, ठीक है, वो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू भी दी है साइन 48.6 की 0.75 है, ठीक है। 59 क्वेश्चन में दिया है हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डिमॉन्स्ट्रेशन, तो ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर द एयर, तो इसमें होगा ये तो गलत है, ठीक है, एयर एंड ग्लास अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी, ये भी नहीं है, एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास थर्ड, ठीक है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम इज फास्टर देन द रेयर मीडियम, तो ये तो गलत है, द रेशो
जो रेशियो होगा साइन एंगल इंसिडेंट का और इन द फर्स्ट मीडियम टू द रेशियो साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का. सेकेंड मीडियम गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन. इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड और फिफ्थ हमारा ठीक है, थर्ड और फिफ्थ का डी पार्ट हो गया ठीक है. उसके बाद 60 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है. इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो बॉक्स के अंदर है, मटेरियल विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 से कम है, देन द, तो इसमें क्या होगा, लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड हैव बीन लेंथ. तो ए ही ठीक है इसका ठीक है. बच्चों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अपने टर्म वन के और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए ठीक है. बाकी जो है वो हमारे जो है अलग से हमें क्वेश्चन दिए हैं वो उनके लिए जिनकी आइज़ में प्रॉब्लम होती है ठीक है. तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर 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 कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.